Hello everyone, welcome to all of you in FFB live chemistry classes. I hope everything is fine. उम्मीद करती हूँ जितने भी वीडियोस भेजे जा रहे हैं उनको तुम लोग ध्यान से देख रहे होगे और पढ़ रहे होगे, और जहाँ भी जो इम्पोर्टेंट लगे तुम लोगों को उसको अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हो, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे पास भी सिलेक्टेड रहे। बाकी सारा पूरा डिटेल में समझने के लिए वीडियो मौजूद है तुम्हारे पास हमेशा, एफएफबी लाइव केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल ज्वाइन किए रहोगे तो सारे वीडियोस तुम्हें जब भी देखना चाहो अवेलेबल होंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स पे डिस्कशन चल रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आज इस टॉपिक पे हम आज के क्लास में बात करेंगे कि कितने तरह से क्लासिफाइड किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी स्टडी के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू यूरिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वोलर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर इनटू अ न्यू एरिया विद अप्रोक्स 22 टू 23 मिलियन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टिल नाउ। This number of organic compound is very large in comparison of inorganic compounds. To make the study of such a large number of organic compounds easier, they are classified on different basis. Above stated classes of organic compounds are described here. Organic compounds बल्कि आगे जो बताए जाएंगे types of organic compounds वो इस तरह से है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन और साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स, एंड सेकंड इज साइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ ओपन चेन और ए साइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन and hydrocarbon derivatives. In this, other atoms of elements are attached with the carbon in carbonic with the or carbon in the organic compound. So there are two types of open chain or acyclic aliphatic compounds, hydrocarbons and hydrocarbon derivatives. Cyclic or closed chain compounds are divided into two parts, aromatic compounds and alicyclic compounds. Aromatic compounds are divided into homocyclic and heterocyclic, and homocyclics are divided into benzenoid and non-benzenoid. Here, alicyclic compounds are divided into homocyclic and heterocyclic compounds. So complete classification of ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लाइक दिस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, क्लासिफिकेशन समझने से पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम देखना है। देयर मे बी फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन ए कार्बन चेन। फर्स्ट इज प्राइमरी कार्बन, ए कार्बन एटम अटैच टू वन और नो अदर कार्बन एटम इज टर्म प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम, एक कार्बन एटम अटैच टू टू अदर कार्बन एटम इज टर्म सेकेंडरी और टू डिग्री कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन एटम, एक कार्बन एटम अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम इज टर्म टर्शियरी कार्बन एटम। अभी एग्जांपल में इसको देखना। क्वार्टरनरी और नियो कार्बन, एक कार्बन एटम अटैच टू फोर कार्बन एटम इज टर्म्स क्वार्टरनरी और फोर डिग्री कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे कंपाउंड में हम तीनों तरह के कार्बन को देख सकते हैं। वन डिग्री कार्बन मीन्स कार्बन एटम अटैच्ड ओनली वन कार्बन एटम और इधर हाइड्रोजन से, तो ये क्या कहलाएगा, वन डिग्री कार्बन एटम।
इधर ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। नाउ 2 डिग्री कार्बन एटम हियर, दिस कार्बन अटैच वन कार्बन दिस साइड एंड वन कार विद वन कार्बन इट दिस साइड, तो 2 कार्बन के साथ ये कार्बन यहाँ पे अटैच है, दिस इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन एटम। इसी तरह से यहाँ पे भी ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। उसके बाद आ जाते हैं 3 डिग्री कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच विद 1, 2 एंड 3 कार्बन, 3 कार्बन से 1 कार्बन अटैच है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, और ये दोनों क्या है 1 डिग्री है क्योंकि ये एक एक कार्बन से अटैच है। उसके बाद 4 डिग्री और क्वार्टरनरी और नियो कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच विद 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन, सो दिस इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन। यही चारों की डिफिनेशन अभी बताया था जो लिखी थी, और ये एग्जाम्पल में चारों तरह के कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन दिखा रहे हैं। द अबव मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 डिग्री, अबव मॉलिक्यूल्स कंटेन 5 1 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2 2 डिग्री, 1 3 डिग्री एंड 1 4 डिग्री कार्बन। द हाइड्रोजन एटम्स और अदर ग्रुप्स आल्सो अटैच टू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर करेस्पॉन्डिंगली टर्म्ड एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन एटम। तो जिस का तरह के कार्बन से हाइड्रोजन एटम या दूसरे एटम अटैच हो गए उनको प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कहा जाएगा। द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हाइड्रोजन एटम इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्शियरी का हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और प्राइमरी कार्बन से जो अटैच होगा वो लेस रिएक्टिव, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। टर्शियरी कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, यानी टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो मोर रिएक्टिव होगा देन हाइड्रोजन अटैच विद सेकेंडरी कार्बन, एंड दिस मोर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन अटैच विद प्राइमरी कार्बन। तो टर्शियरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एंड प्राइमरी टर्शियरी हाइड्रोजन विच अटैच विद टर्शियरी कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हाइड्रोजन। नाउ नॉर्मल आइसो एंड नियो हाइड्रोकार्बन, इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोमेरिक एल्केन्स फ्रॉम ईच अदर प्रेफिक्स नॉर्मल आइसो एंड नियो आर यूज इन ट्राइबल सिस्टम ऑफ नामेक्लेचर। नाउ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ए स्टेट और कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम दैट इज इफ ओनली प्राइमरी और बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन सच हाइड्रोकार्बन इज नोन एज नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नो ब्रांचिंग इज प्रेजेंट इन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। एन ब्यूटेन, एक सिंगल चेन में सारे कार्बन अटैच है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन। एन ब्यूटेन, दिस इज एन पेंटेन, दीज आर नोन एज नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। उसके बाद है आइसो हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन कंटेन टर्शियरी कार्बन एटम दैट इज CH3 होल्ड बाय CH ग्रुप इन द स्टेट चेन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी सेकेंडरी कार्बन और यहाँ पे CH3, दिस इज दी टर्शियरी कार्बन के साथ 2 CH3 इस तरह से अटैच है और 1 CH, दिस इज दी आइसो हाइड्रोकार्बन इसको कहेंगे। इसी तरह से टर्शियरी कार्बन इस तरह से अटैच है CH2 CH3 चेन में, दिस इज दी टर्शियरी कार्बन। तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या कहलाते हैं, आइसो हाइड्रोकार्बन। आइसो हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ए टर्शियरी कार्बन एटम दैट इज CH3 होल ट्वाइस। ये क्या है, टर्शियरी कार्बन है जो कि चेन में इस ग्रुप इन द स्ट्रेट चेन, इस स्ट्रेट चेन में ये अटैच है, तब क्या कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन। नियो हाइड्रोकार्बन दे कंटेन्स क्वार्टरनरी कार्बन एटम दैट इज CH3 होल थ्राइस C ग्रुप इन द चेन।
चेन में जो क्वार्टरनरी कार्बन अटैच होगा, ये कार्बन क्वार्टरनरी कार्बन है जो कि इसमें चेन ज्यादा लंबी नहीं, यहाँ लंबी हो रही है, लेकिन ये क्वार्टरनरी कार्बन है जो चेन में अटैच है। तीन डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच है, इस तरह के हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, नियो हाइड्रोकार्बन। दिस इज द नियो पेंटेन बिकॉज फोर कार्बन एटम प्रेजेंट, दिस इज नियो हेक्सेन, यर फाइव सिक्स कार्बन इज प्रेजेंट देन दिस इज द नियो हेक्सेन, और फाइव कार्बन जब होगा तो ये नियो पेंटेन होगा। नाउ क्लासिफिकेशन में भी समराइज्ड है, इस क्लासिफिकेशन बता चुके, और शॉर्ट में क्लासिफिकेशन को हम दो तरह इस तरह से भी देख सकते हैं, ओपन चेन और साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स, या क्लोज चेन और साइक्लिक एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, उसमें और ज्यादा डिटेल में हमने बताया था जो पहले क्लासिफिकेशन दिखाया चार्ट। और ये होमोसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बेंजीनाइड एंड नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड कंपाउंड्स आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनाइड इज आल्सो नोन एज एरोमेटिक, बट दिस इज नॉन बेंजीनाइड। आगे हम डिटेल में सब इसके बारे में बात करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, all the known organic compounds have been divided into two main types, first acyclic or open chain compounds, chart mein dekha hai isko hum one by one detail mein jante hain, these are the compounds in which the carbon atoms are linked to each other in such a manner that the molecule is having an open chain structure, the chain of the carbon atoms may be straight or branched, these compounds are also called aliphatic compounds, the term aliphatic has been derived from the Greek word aliphatos meaning fats, in the earliest compounds to be studied were fatty acid or compounds found in fats, some of the examples are open chain compounds, for example propane, this is the isobutane, this is ethylene, acetic acid, acetone, isme kya hai open chain, carbon ki chain jo hai ye open hai, these are the open chain compounds. Now cyclic, wo kehte hai acyclic or open chain compound, ye hai cyclic or closed chain compounds, these are the compounds in which carbon atom are linked to each other or to each other or to form of other elements in such a manner that the molecules have a closed chain or cyclic or ring structure. One or more closed chain or rings may be present in the molecule. The compounds with only one ring of atoms in the molecule are known as monocyclic, but those with more than one ring of atoms are termed polycyclic. These are further divided into two subgroups, homocyclic or homocyclic or carbocyclic, and second heterocyclic compound. First, homocyclic or carbocyclic compounds. These are the compounds having a ring or rings of carbon atoms only in the molecule. The carbocyclic or homocyclic compounds may again be divided into two types, first alicyclic compounds and second aromatic compounds. First type is alicyclic compound. These are the compounds which contains rings of three or more carbon atoms. These resemble with aliphatic compounds than aromatic compounds in many respects. That is why these are named alicyclic or aliphatic cyclic. These are also termed as polymethylene. Some of the examples are here. Three carbon chain ring is formed here. This is cyclopropane. Four carbon ring is known as cyclobutane.
सिक्स कार्बन रिंग इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। तो छह कार्बन इस तरह से रिंग बनाते हुए जुड़ते हैं और हर एक के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये सिंगल बॉन्ड के साथ सब जुड़े हैं। उसके बाद है एरोमेटिक कंपाउंड्स। दिस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, दैट इज ए सिक्स मेंबर्ड कार्बोक्सिलिक रिंग हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। जनरली दीस कंपाउंड्स हैव सम फ्रैग्रेंट ऑर्डर एंड हेंस आर नेम्ड एज एरोमेटिक। एरोमा मीनिंग स्वीट स्मेल। एग्जांपल्स आर दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड। दिस इज द बेंजीन मोनोसाइक्लिक। बेंजीन कार्बन एटम्स आपस में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं सिक्स कार्बन बेंजीन में। दिस इज बेंजीन मोनोसाइक्लिक रिंग है। बाईसाइक्लिक रिंग, दो बेंजीन रिंग इस तरह से फ्यूज हुई दिखाई देती है। दिस इज द नेप्थिलीन, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिवली अटैच होते हैं। इसी तरह थ्री बेंजीन रिंग्स आर अटैच, दिस इज नोन एज एंथ्रासीन। दिस इज ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स। These compounds are also known as benzenate aromatics as their molecule consist of benzene ring or rings. However, there are aromatic compounds which have structural units different from benzenate types and are known as non-benzenate aromatics. Propolone and azulene are the examples of non-benzenate elements. So these are benzene like but not a benzene ring is present here. This propolone is tarah se hota hai structure iska, aur azulene, these are the non benzenate aromatic compounds. Now second type heterocyclic compounds. ye sare kya hote hain homocyclic compounds. isme chain mein chahe straight chain ho ya close chain ho isme sirf carbon ke atom present the. those are होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग रिंग और रिंग बिल्ट अप ऑफ मोर देन वन काइंड्स ऑफ एटम्स। द मोस्ट कॉमन अदर एटम्स हेट्रो एटम्स आर बिसाइड्स कार्बन आर ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास आर ना, यहाँ पे जो क्लोज रिंग बन रही है कार्बन एटम के साथ उसमें ऑक्सीजन भी साथ में मिला हुआ है। दिस इज फ्यूरॉन, दिस इज पायरोल, इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है रिंग में। दिस इज थायोफीन, यहाँ सल्फर प्रेजेंट है। दिस इज पिरिडीन, इसमें की एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दीज आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। द कंपाउंड्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। Hydrocarbons are considered as the parents of all organic compounds. All other compounds are obtained from hydrocarbon by the replacement of one or more hydrogen atoms with other atoms or group. जैसे hydrocarbon एक hydrogen replace करके कोई भी दूसरा atom enter करेगा, these are the derivatives of hydrocarbon. The most of the organic compounds consist of two parts, each of which is called a group or radical. Both of these groups are responsible for the properties of the compound. The group R represent the carbon hydrogen framework, which mainly affect the physical properties. While group X is known as functional group, which is responsible for the chemical properties of the compound like this. So this is the radical and this is the functional group. Radical R represent the carbon hydrogen framework. ये बताएगा कि कितने कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, जबकि एस इज ए फंक्शनल ग्रुप एंड रिप्रेजेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ए फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? ए फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप
of atom in a molecule that give the molecule its characteristic chemical properties. Double and triple bonds are also considered as functional group. Functional group is actually the action group or the site of chemical activity in a compound. Compounds having same functional group show similar characteristic chemical properties. Functional group thus serve to classify organic compounds into classes or families. All compounds with the same functional group belong to the same class. Various classes of compounds having some of the common functional groups are listed here in the table. Alkene in which carbon-carbon double bond is present. So double bond जब carbon-carbon के बीच होगा तो वो क्या होगा? Alkene carbon-carbon triple bond होगा तो वो होगा acetylene और alkynes. Halides R के साथ FCl, Br ये जुड़े होंगे तो क्या होंगे? Halides. Alcohol OH अगर R के साथ OH attach है तो वो सारे alcohol होंगे. Thiols SH group है तो thiols. Aldehyde C double bond OH group attach होगा R के साथ तो ये हो जाएगा aldehyde group है, ये aldehyde होगा. Ketones तो R के साथ बीच में C double bond O group present होगा, this is ketonic group, तो compound ketone होगा. Thioketones होगा S double bond S, तो this is the thio group and thio ketonic group होगा क्योंकि यहाँ oxygen की जगह sulfur आ गई. Ethers के लिए जब दो कार्बन के बीच ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा ईथर्स को. थायो ईथर्स में ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा, दिस इज दी थायो ईथर ग्रुप. नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच जब साथ में होगा तो ये होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को. सल्फिनिक एसिड एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच होगा तो ये सल्फिनिक एसिड हो जाएगा. उसके बाद एमाइड्स में सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ग्रुप प्रेजेंट होगा, दिस इज एमाइड. एंड एमीन्स एन एच टू एन एच एच एन नाइट्रोजन के साथ ओ एच जुड़ा होगा तो ये एमिनो ग्रुप. इसी तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन तो ये होगा साइनो ग्रुप. नाइट्रो कंपाउंड्स में एन डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज दी नाइट्रो कंपाउंड्स हो जाएंगे. नाइट्रो ग्रुप है ये जुड़ा होगा तो आर के साथ. ईस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ये ग्रुप जब होगा तो कंपाउंड इज ईस्टर. एंड एसिड हैलाइड सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ एक्स कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, दिस इज दी एसिड हैलाइड्स. Certain compounds contain more than one functional group. Such compounds are called polyfunctional compounds. The properties of such functional group may be modified by the presence of the other. Now saturated and unsaturated compounds. If in an organic compounds containing two or more carbon atoms, there are only single bonds between carbon atoms, then the compound is said to be saturated, that is ethane, N-propyl alcohol, acetaldehyde, etc. इनमें क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये या किसी और दूसरे एटम के साथ भी सिंगल बॉन्ड है तो इस तरह के बल्कि सिर्फ ये चेन में जो कार्बन कार्बन है इनके बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि इथेन या सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड प्रोपिल अल्कोहल. और इसमें भी चेन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, दिस इज आल्सो ए, और ये सी एच ओ ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, दिस इज आल्सो ए सैचुरेटेड कंपाउंड. On the other hand, if the compound contains at least one pair of adjacent carbon atoms linked by multiple bonds, then that compound is said to be unsaturated. That is ethylene, acetylene, vinyl alcohol, acetaldehyde. Yeah, carbon-carbon ke beech, main chain mein carbon-carbon ke beech double bond ya triple bond present hoga to wo कंपाउंड क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि एथिलीन, एसिटिलीन,
विनाइल एल्कोहल में सीसी के बीच डबल बॉन्ड है, एसिटेल्डिहाइड में एक्रेल्डिहाइड नॉट एसिटेल्डिहाइड एक्रेल्डिहाइड में ये सी और सी के बीच डबल बॉन्ड है चेन में, दीज आर द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। नाउ होमोलोगस सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू ए मेन क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज नोन एज होमोलोगस सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। All compounds having same carbon framework skeleton and all compounds having same carbon framework or skeleton and same functional group in their molecule possess similar properties. Such compounds, when arranged in order of their molecular masses, constitute a series called homologous series, and the individual members are called homologs. The property by virtue of which a number of organic compounds form a homologous series is termed homology. Now, a homologous series can be defined as a group of compounds in which the various members have similar structural features and similar chemical properties, and the successive members differ in their molecular formula by CH2. यानी दो सक्सेसिव मेंबर के बीच जो डिफरेंस होगा वो CH2 के बीच होगा। किसी भी होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा और लेकिन फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होगा, कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, हर अगले मेंबर में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज आर कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट्स एंड कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन जनरल फॉर्मूला, दैट इज the homologous series of monohydric alcohol can be represented by the general formula CnH2n+1OH. The formula of various homologous can be written by giving the value 1, 2, 3 to n. Now alcohol series, ye kya hai, CN2NO1+OH, उसके तो अगला मेंबर, पहला मेंबर इसका होगा CH3OH, अगला मेंबर फिर CH2 बढ़ जाएगा, हो जाएगा C2H5OH, फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होंगे, अगला नंबर हो जाएगा CH2 ऐड कर देंगे तो C3H7OH, उसी तरह अगला मेंबर का कौन सा होगा C4H9OH, यानी हर एक में CH2 बढ़ता जाएगा, फंक्शनल ग्रुप एक हो जाएगा, तो उसको सेम होमोलोगस सीरीज का मेंबर कहेंगे। Here the molecular formula of each member differs from the members above and below it by one CH2 group. Third characteristic, the molecular mass of every two adjacent members differ by 14 because one carbon is molecular mass is atomic mass is 12 and H2 2 into 1 to ho jayega 14. So molecular mass of every two adjacent member differ by 14, that is CH2. All compounds in the series have similar chemical properties because of the presence of same functional group. The members of the series show a gradual gradation in their physical properties like solubility, density, melting and boiling points. The physical properties generally increase as the molecular mass increase. The homologous series can be prepared by almost similar method. These are known as general methods of preparation. There are a number of homologous series in organic compounds. Some are important series of aliphatic compounds are given here. Homologous series, uska general formula hai, uske baad unme functional group kaun sa hota hai. एल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, CnH2n+2 जनरल फार्मूला, अगले मेंबर में CH2 बढ़ता जाएगा। एल्कीन्स जनरल फार्मूला CnH2n, फंक्शनल ग्रुप इसका होता है C डबल बॉन्ड C। एल्काइन्स जनरल फार्मूला CnH2n-2,
जो फंक्शनल ग्रुप है सी ट्रिपल बॉन्ड सी. नाउ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जनरल फॉर्मूला इसका ये होता है सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच, एंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ओ एच. उसके बाद एल्डिहाइड, जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन ओ, और इसका फंक्शनल ग्रुप है सी एच ओ. सी डबल बॉन्ड ओ होता है और सी से अटैच एच होता है. उसके बाद है कीटोन सी एन एच टू एन ओ, जनरल फॉर्मूला है इसका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ. जब इस तरह के ग्रुप लगे होंगे तो उससे पहचान हो जाएगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन ओ, इसका फंक्शनल ग्रुप है सी ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. उसके बाद है ईथर सी एन एच टू एन प्लस टू ओ, दो इसका फंक्शनल ग्रुप है सी ओ आर, दिस इज द एल्कोक्सी ग्रुप. उसके बाद है एमीन्स, जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन एन एच टू, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी होती है. प्राइमरी एमीन के लिए होता है एन एच टू, और सेकेंडरी एमीन के लिए एक और हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाता है, दो नाइट्रोजन आ जाते हैं एन एच, यानी यहाँ एन से, और टर्शरी जो नाइट्रोजन, टर्शरी एमीन्स में नाइट्रोजन तीन दूसरे एटम से अटैच होते हैं. दिस इज द प्राइमरी एमीन. सेकेंडरी एमीन में एक हाइड्रोजन बचता है और टर्शरी एमीन में सिर्फ इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं. एमाइड्स, जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ एन एच टू, फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू. तो यहाँ पे ये प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी एमीन का, और ये टर्शरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप है. एमाइड्स का है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू. उसके बाद है ईस्टर सी एन एच टू एन ओ टू, इसका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद ओ इधर आर. एंड साइनाइड का जनरल फार्मूला है सी एन एच टू एन प्लस वन सी एन, फंक्शनल ग्रुप है इसका सी ट्रिपल बॉन्ड एन. अब ये होमोलोगस सीरीज पूरी यहाँ पे मेंबर्स दिए हुए हैं. होमोलोगस सीरीज उनके सब इम्पोर्टेंट सीरीज के सब मेंबर्स हैं. ये जो है किस तरह से पहला मेंबर, फिर दूसरा मेंबर, फिर तीसरा मेंबर. जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप अभी बताया, वही चीज है. अब जैसे एल्केन के जो इम्पोर्टेंट यानी सक्सेसिव मेंबर्स हैं, पहला मेंबर सी एच फोर, दूसरा सी टू एच सिक्स, यानी सी और एच टू बढ़ गया, तीसरा मेंबर सी थ्री एच एट, यहाँ पे भी सी अगले मेंबर से अगले मेंबर, इस मेंबर से अगले मेंबर में सी एच टू बढ़ गया. जनरल फार्मूला बता चुके हैं. एल्कीन्स का पहला मेंबर सी टू एच फोर, दूसरा सी थ्री एच सिक्स, यानी सी एच टू बढ़ गया, तीसरा मेंबर सी एच, इसी तरह हम जैसे सी फोर एच एट, अगला मेंबर सी फाइव एच टेन हो जाएगा, उसके बाद ऐसे ही सी एच टू बढ़ाते जाएंगे तो अगला मेंबर मिलता जाएगा. फंक्शनल ग्रुप ये है सी डबल बॉन्ड सी. एल्काइंस का पहला मेंबर सी टू एच टू, दूसरा सी थ्री एच फोर, तीसरा सी फोर एच सिक्स, अगला क्या हो जाएगा सी फाइव एच एट, इसी तरह सी एच टू बढ़ेगा तो अगला मेंबर मिलता जाएगा. फंक्शनल ग्रुप क्या है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सबके जनरल फार्मूलाज है. उसके बाद है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पहला मेंबर सी एच थ्री ओ एच, दूसरा सी टू एच फाइव ओ एच, यानी सी एच टू सिर्फ बढ़ रहा है, यहाँ पे ओ एच सेम है, और फंक्शनल ग्रुप ओ एच. ईथर्स में पहला मेंबर सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, दूसरा हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ सी एच थ्री, यानी सी एच टू बढ़ गया, तीसरा मेंबर सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, का मतलब जो है सी एच टू यहाँ बढ़ गया, इसी तरह सी एच टू बढ़ाते जाएंगे तो अगला मेंबर मिलेगा. फंक्शनल ग्रुप है ओ आर. एल्डिहाइड्स पहला मेंबर एच सी एच ओ वन कार्बन, दूसरा मेंबर सी एच टू जुड़ गया यहाँ तो सी एच थ्री सी एच ओ, तीसरा मेंबर सी एच सी टू एच फाइव सी एच ओ, इसी तरह अगला मेंबर मिलेगा. फंक्शनल ग्रुप है सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच. उसके बाद कीटोन का पहला मेंबर है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, अगला मेंबर सी टू एच फाइव सी ओ सी एच थ्री, इसी तरह सी एच टू जोड़ते जाएंगे अगला मेंबर मिलता जाएगा. जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ.
मोनोसाइक्लिक एसिड पहला मेंबर एच सी ओ है, दूसरा सी एच थ्री सी ओ है, तीसरा सी टू एच फाइव सी ओ है। सी एच टू बढ़ता जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। जनरल फार्मूला इसका ये है, ईस्टर पहला नंबर सी एच सी ओ ओ सी एच थ्री, दूसरा हो जाएगा सी एच टू बढ़ गया सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री, फिर सी एच टू बढ़ जाएगा अगला नंबर, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दो तरह से देखा, स्ट्रक्चरल के बेस पे और फंक्शनल ग्रुप यानी होमोलोगस सीरीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समझने के, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने के बाद आगे जो और केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे तो वो सारी चीजें भी क्लियरली समझ में आएंगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्टार्टिंग पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको जानना जरूरी है। तो इसको पढ़ो और कॉपी में नोट करो।